सिवनी जिला जेल में 307 की सजा काट रहे एक कैदी ने तड़के जेल की टॉयलेट में खुद के गमछे के सहारे झूलकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद जेल के दो कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सिवनी की जेल में 307 के मामले में 8 साल की सजा काट रहे घनसौर थाना क्षेत्र के उरी सिकारा गांव निवासी एक कैदी ने सुबह 5 बजे के करीब जेल की टॉयलेट में बल्ब लटकाने के लिए लगाई गई कील के सहारे खुद के गमछे से फांसी लगा ली। जब तक दूसरे बंदी इसे बचाने जा पाते तब तक इस कैदी की मौत हो गई। इस बंदी का नाम चमरूलाल, पिता चंदन सिंह है। वहीं जेल प्रशासन ने बंदी की मौत के बाद इसका मामला न्यायिक जांच में होने की बात कही है, साथ ही परिजनों को इसकी लाश पंचनामा के बाद सौंप दी गई है। कैदी की मौत के बाद केशलाल ककोड़ी और धन सिंह मरावी, जो कि प्रहरी और मुख्य प्रहरी हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना से सिवनी जिले ने कैदियों व बंदियों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या सिवनी जेल में कैदी व बंदी तनाव में जी रहे हैं या किसी प्रकार की प्रताड़ना से परेशान हैं? इस कारण आज एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सिवनी से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट। आज सवेरे लगभग 4 से 4:30 के बीच में एक बंदी जो है सजाप्ता बंदी वार्ड नंबर 2 के लैट्रिन अंदर जो रात्रि टॉयलेट बने हुए हैं उसमें एक बल्ब लटकाने के लिए कीलें लगी हुई थी ऊपर, तो वो रात में जो है अपने गमछा फाड़ करके और अपने कीले से बांध के और अपने गले में बांध के लटक गया और हैंग कर लिया। और उस समय बंदी उठे भी थे लेकिन जब तक खत्म हो चुका था। उसके बाद सारे कार्रवाई जो होना चाहिए कार्रवाई है मर्ग क्राइम करवा के और उसकी जाँच के पंचनामा कराने के बाद उसको PM कराया गया, तो परिवार वालों को सपोर्ट कर दिया गया है। उरी सिकारा थाना घनसौर का रहने वाला था, उसका नाम था चमरूलाल, पिता चंदन सिंह। 307 में वो 8 साल की सजा से दंडित था। अभी बस ये भी जानकारी है, अभी न्यायिक जांच बाकी है, न्यायिक जांच के बाद ही रीजन पता चलेगा। अभी हमने दो कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, एक मुख्य प्रहरी और एक प्रहरी को सस्पेंड कर दिया है, और बाकी की आगे कार्रवाई न्यायिक जांच के बाद ही पता चलेगा। रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।